हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जी हाँ, ये बहुत ही कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में बहुत ही चीज जो ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन में काम करना चाहते हैं या फिर काम करने वाले हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो जो हम 6 पॉइंट लेकर के आए हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है मटेरियल रेडी ऑन टाइम और टारगेट आउटपुट। जी हाँ, आपको मटेरियल हमेशा ऑन टाइम देना पड़ेगा या फिर जो आपको टारगेट दिया जाता है उसको टाइम रहते हुए उसको अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन के ऊपर ही कंपनी टिकी हुई रहती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप प्रोडक्शन नहीं दीजिएगा ऑन टाइम तो कस्टमर को ऑन टाइम जाएगा नहीं और वहाँ से पैसा आएगा नहीं, और पैसा आएगा नहीं तो कंपनी चलेगी कैसे। इसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय होते हैं, काम करते हैं, वह पूरे सहज और हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं। तो आपको हमेशा मटेरियल ऑन टाइम देना पड़ेगा, यह प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। दूसरा है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। जी हाँ, कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि उसका डिस्पैच डेट कब है, वह कस्टमर का मांग कब का है, उसके हिसाब से उसके अनुसार आपको प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ेगा। कभी कभी अचानक क्या होता है ना कि ऑर्डर रहता है, प्लानिंग कुछ और रहता है, और ऑर्डर जो है वो अचानक आ जाता है कि बहुत ही अर्जेंट है, तो आपको ही बनाना है, प्रोडक्शन वाले को ही बनाना है, तो उसमें भी आपको टाइम रहते हुए उस उत्पादन को आपको उत्पाद करना पड़ेगा। आगे है मॉनिटरिंग द प्रोसेस फॉर द रॉ मटेरियल इनटू मशीनरी। जी हाँ, उसमें आपको बहुत ही मॉनिटरिंग मतलब करना पड़ेगा, हमेशा ख्याल करना पड़ेगा जो वहाँ पे आप काम करते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एम्प्लॉय हैं वो, तो उस पर आपका जो भी डेजिग्नेशन होगा तो उस पर जो आपको काम दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको मॉनिटरिंग किया जाएगा। आगे है सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल एम्प्लॉयज इन्वॉल्व प्रोडक्शन प्रोसेस। दोनों मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको आइटम को मॉनिटरिंग करना है कि आपका कहीं सामान तो बर्बाद नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो है कर्मचारी जो वर्कर जो ऑपरेटर या फिर जो जो भी कंपनी में आप काम करते होंगे, फार्मा के लिए अलग हो जाएगा, इंजीनियरिंग के लिए अलग हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको जो उसमें इन्वॉल्व है उस पर आपको सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग करके रखना पड़ेगा। मैं एक्चुअली कोई डिजाइनेशन के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो मुख्य काम होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आगे है मशीन एंड मेंटेनेंस। जी हाँ, किसी भी उत्पादन को उत्पाद करने के लिए जो मशीन लगते हैं तो उसको टाइम टू टाइम आपको मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा हो सकता है तो आपको नया भी लेना पड़ेगा उत्पाद को देखते हुए कि आपने क्या टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं मशीन के चलते, तो उस स्थिति में आपको MD से बात करना होगा और जो चीज़ लगता है वो आपको लेना पड़ेगा। आगे जो हाई क्वालिफाइड मतलब जो मैनेजमेंट होती है प्रोडक्शन में वो 6M पे काम करते हैं, मेन हो गया, मशीन हो गया, मनी हो गया, मेथड्स हो गया, मटेरियल हो गया, मार्केट हो गया। और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जो रिलेशनशिप होना चाहिए, जो आपका सबसे अच्छा होना चाहिए R&D वाले से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर उसको आप डिजाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनके गाइडलाइंस में ही प्रोडक्शन होता है। आगे है क्वालिटी। क्वालिटी के साथ भी आपका एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद परचेस हो गया और स्टोर हो गया, तो मिला जुला करके आपको लगभग हर डिपार्टमेंट से काम रहता है, तो आपको हर डिपार्टमेंट से एक अच्छा रिलेशन कंपनी के अंदर होना चाहिए। जो 6 पॉइंट बताया हूँ एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।